गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 के बारे में पढ़ रहे थे, ऑयल फाइबर्स स्पाइस एंड मेडिसिनल प्रोड्यूसिंग प्लांट। ऑयल के बारे में पढ़ लिया, फाइबर के बारे में पढ़ लिया, स्पाइस के बारे में। लास्ट पॉइंट इसका आता है लोवेज, जिसको कहा जाता है अजवाइन। अजवाइन आप सभी जानते हैं, कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, अजवाइन। स्पाइस के रूप में लोवेज जो है अपना लास्ट पॉइंट है सिलेबस के अंदर, लोवेज जो कि स्पाइस का आखिरी पार्ट है। कॉमन नेम की बात करें तो लोवेज अजवाइन को कहा जाता है। बोटनिकल नेम की बात करें तो ट्रेकिस्पर्मम ओमी जिसको कहा जाता है, ट्रेकिस्पर्मम ओमी कहा जाता है। और फैमिली की बात करें तो एपीएसी या फिर अम्बेलीफेरी इसको लिख सकते हैं, यानी या तो एपीएसी लिखो या फिर अम्बेलीफेरी। बोटनिकल नेम वापस बोलना चाहूँगा, ट्रेकिस्पर्मम ओमी। यूजफुल पार्ट की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट इसका यूजफुल पार्ट है। अजवाइन जो कि ड्राई होता है, उसका ड्राई फ्रूट ही उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यूजफुल पार्ट है। यूजेस की बात करें, एसेंशियल ऑयल कॉल्ड थाइमोल ओपन फ्रॉम फ्रूट, इसके फ्रूट से थाइमोल जो कि अपना एसेंशियल ऑयल जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, थाइमोल जो इससे ओपन होता है वो इसके फ्रूट से हमें आसानी से मिल जाता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो यूज्ड इन एज मेकिंग बिस्किट एंड फ्रिटर, बिस्किट वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर भी अजवाइन का यूज लिया जाता है। और मैंने एक वर्ड लिखा है फ्रिटर, जिसको पकोड़े कहा जाता है। अपने घरों के अंदर जो पकोड़े वगैरह बनते हैं कुछ मात्रा में उसमें अजवाइन वगैरह भी डाला जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोवेज लड्डूज आर गिवन बाय प्रेग्नेंट लेडी को अजवाइन का जो लड्डू वगैरह बना के उनको प्रेगनेंसी के बाद उनको क्या किया जाता है, खाने के रूप में उनको दिया जाता है, ताकि उनको वापस जो एनर्जी चाहिए होती है वो वापस उनको आसानी से मिल सकती है। तो ये तो था हमारा लोवेज के बारे में, जिसका बोटनिकल नेम ट्रेकिस्पर्मम ओमी, फैमिली इसकी हो जाती है एपीएसी या फिर अम्बेलीफेरी। और यूजफुल पार्ट की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यूजफुल पार्ट है। ये तो कुछ जानकारी थी अपने अजवाइन के बारे में, लोवेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टार्ट हो जाता है मेडिसिनल प्लांट। ये मैंने कहा था कि लोवेज लास्ट पॉइंट है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेडिसिनल प्लांट। हमारे भारतवर्ष में, पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल होते हैं, जैसे कि ओपियम है, सरपेंट वुड है, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने ओपियम के बारे में यहाँ पर लिख रखा है। उससे पहले मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे होते हैं हमारे, उसमें कुछ मात्रा में अपने मेडिसिन बनाने के रूप में, कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में उनको मिलाकर हमारे जो सिरप वगैरह है उनको बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिनको प्लांट्स के कुछ पार्ट को लेकर उसके अंदर मिलाया जाता है। तो उसमें से एक अपना है ओपियम। कॉमन नेम की बात करें ओपियम, जिसको अफीम कहा जाता है, अफीम की खेती वगैरह होती है, अफीम का कुछ भाग मेडिसिन के अंदर मिलाया जाता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है अपना ओपियम, जिसको कॉमन नेम में क्या कहा जाता है, अफीम। बॉटनिकल नेम की बात करें तो पेपेवर सोमनीफेरम इसको कहा जाता है। और फैमिली की बात करें तो पेपर वी एसी इसको फैमिली का नाम है। और यूजफुल पार्ट की बात करें तो कैप्सूल वाला पार्ट इसका सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग है, ऊपर वाला जो वाइट पार्ट होता है वो ही कैप्सूल है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। और इस कैप्सूल के से ही मेडिसिन के रूप में कुछ मात्रा में उसको मिलाया जाता है। अगर हम पुराने लोगों की बात करें तो नशीले, जैसे किसी को सर्दी खांसी वगैरह होती थी तो कुछ मात्रा में नशीली चीज़ उनको दी जाती थी, बहुत माइनर, ताकि उनकी खांसी वगैरह क्या हो जाती थी, सही हो जाती। इसलिए पहले के लोग डायरेक्ट उस चीज़ को ही देते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो मेडिसिन के रूप में कुछ मात्रा में ओपियम वगैरह मिलाया जाता है, ताकि हम आसानी से जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में आता है, और नशीली चीज़ भी है लेकिन मेडिसिन के रूप में अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण भाग है उसका। इसके अंदर एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें से एक एल्कोलाइड है अपना मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एक्यूट पेन किलर, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेन। मॉर्फिन एल्कोलाइड है, मॉर्फिन को लेके पेन किलर वगैरह जो बनाए जाते हैं
जिसमें कुछ दर्द हमारे कमर दर्द घुटने दर्द वगैरह भी हो सकता है, उस पेन किलर में कुछ मात्रा में मॉर्फिन एल्केलॉइड है, ये एल्कोलेट का नाम दे रखा है मॉर्फिन, जो कि उसके अंदर मिलाया जाता है। उसको मिलाने के बाद कुछ मेडिसिन बनती है, वो पेन किलर कहलाती है, जो हमारे पेन के अंदर काम आती है। कफ इज ट्रीटेड विद ए कोडिन। अब कोडिन भी एक तरह का क्या है, एल्केलॉइड है, जो कि इसके अंदर पाया जाता है, एल्केलॉइड जो कि इसके अंदर पाया जाता है, और कोडिन भी एक तरह का क्या है, एल्केलॉइड, और ये बनता है कफ सिरप के लिए, अपने कफ जम वगैरह हो जाता है तो सिरप वगैरह बन जाती है, उसमें कुछ मात्रा में कोडिन को मिला दिया जाता है। इट इज़ अ सेडेटिव एंड नार्कोटिक। नार्कोटिक यानी नशीले चीज़ें, सेडेटिव एक ही बात है, नशीली चीज़ें जितने भी है तो अफीम को नशे के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग में लिया जाता है। यूजफुल इन डेंसेंट्री। डेंसेंट्री का मतलब क्या हो गया, पेचिस जिसको कहा जाता है। बीमारी ये होती है, आंतों में सूजन आ जाती है और खून के साथ दस्त होती है, इससे ये डेंसेंट्री रोग कहा जाता है, जिसमें पेचिस रोग इसको कहा जाता है। तो उस चीज़ को सही करने के रूप में भी ओपियम का कहीं ना कहीं उसके अंदर यूज आता है, जिसमें अलग अलग एल्केलॉइड्स को क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें मॉर्फिन और कोडिन दो चीज़ें उसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेडिसिनल प्लांट के कुछ और पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।